तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में बात करेंगे कल का मुकाबला, जो कि बहुत बड़ा मुकाबला होगा क्योंकि एक T10 मैच है, तो काफ़ी देर नहीं लगता मैच होने के लिए। तो जिन आप कम टाइम में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा विनिंग कर सकते हो। तो मैं बात करना चाह रहा हूँ कल का मुकाबला, जो कि ECS T10 दर्शन के बीच में, दर्शन का है, जो खेला जाएगा BICA वर्सेस ECB के बीच में मैच खेला जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा आपके लिए। जरूर देखना टीम क्या रहेगी, हमारी स्मॉल लीग टीम कैसे रहेगी, स्मॉल लीग पिक कैसे रहेगा, और ग्रैंड लीग में किन प्लेयर को लेना है, किन प्लेयर को छोड़ना है, वो सब इसी वीडियो में बता दूंगा। प्लस आपको प्लेयर स्टैट दिखाऊंगा, किस प्लेयर का कैसा रिकॉर्ड है, वो सब इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप करें वीडियो को शुरू से अंदर देखिए, और आपको एक एक प्लेयर के बारे में बता दूंगा, किस प्लेयर कैसा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, किस प्लेयर को लेना है, किस प्लेयर को छोड़ना है, किसको ग्रैंड लीग में पिक करना है, किसको स्मॉल लीग में पिक करना है, वो सब इसी वीडियो में बता दूंगा। तो आप ज़रूर वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। वीडियो थोड़ा अच्छा लगा तो आपके लिए तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस, टीम देखने से पहले चलो गाइस देख लेते हैं, कुछ प्लेयर्स स्टाइल देख लेते हैं, दोनों टीम का प्लेयर स्टाइल कैसा है, उसके हिसाब से टीम बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा बनेगा। तो बिना कोई देर करते हुए चलो प्लेयर स्टाइल के ऊपर जाते हैं। तो वह ये मैच खेला जाएगा ACB केरला कॉमेंस वर्सेस ICA बेल्जियम के बीच में मैच खेला जाएगा। कल खेला जाएगा, कल शाम को ये 4 बजे मैच चालू होगी। तो अभी तक आपके लिए बहुत टाइम है वीडियो देखने के लिए, प्लस टीम बनाने के लिए बहुत टाइम है। तो आप आसानी से वीडियो देखिए, समझ के आप टीम बनाते तो थोड़ा अच्छा होगा। तो चलो गाइस शुरू करते हैं प्लेयर स्टैट देखने। तो पहले देख लेते हैं ICA के प्लेयर स्टैट कैसे, बाद में देखेंगे ACB के प्लेयर के साथ, और दोनों कंबाइन करके आप टीम बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा खासा गेम कर सकते हो। चलो गाइस देखते हैं पहले ICB के प्लेयर स्टैट। उसमें आते हैं अरुण कुमार, 12 में से 66 रन बना के आ रहे हैं, 8 के एवरेज इनका। तो अभी ये बॉलिंग नहीं करते, सिर्फ बैटिंग करते, तो 20-25 रन बना के देते तो आप आसानी से विन कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं चंटी पसपुलटी, 12 में से 261 रन बना के आ रहे हैं, 26 के एवरेज इनका। तो बैट्समैन बहुत बढ़िया है, हर मैच में आपको अच्छा खासा रन बना के दे सकते हैं। तो ज़रूर गैली में पिक करके गैली में एक टीम में कैप्टन बना दो, देखेंगे क्या होगा, अच्छा खासा रन बना दो तो आपको विन कर देंगे, वरना एक टीम वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है चंदू नागासाई, 12 में से 8 विकेट लेके आ रहे, तो भी प्लेयर बहुत बड़ा है, हर मैच में एक ना विकेट लेके जाते तो ज़रूर पिक करना स्मॉलिंग में। नेक्स्ट आते हैं रवि वंकुरी, 11 में से 60 रन बना के आ रहे, 8 का एवरेज इनका, और ये 14 विकेट लेके आ रहे, तो प्लेयर बहुत बड़ा है, हर मैच में 1-2 विकेट लेके जाते तो जरूर पिक करना, ग्रैंड लीग में जरूर जरूर कैप्टन ट्राई करना। नेक्स्ट आ रहे रोहित ग्रोवर, 11 में से 274 रन बना के आ रहे, 34 का एवरेज इनका, और ये भी 6 विकेट लेके आए, तो प्लेयर बहुत बड़ा है, बॉलिंग बैटिंग दोनों अच्छा खासा करके आ सकते हैं, तो इसलिए आपको जरूर ग्रैंड लीग में कैप्टन ट्राई करना। नेक्स्ट आते हैं अमर शंकरप्पा, 10 में से 5 रन बना के आ रहे, 1 का एवरेज इनका, तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है लास्ट 5-10 मैच में, तो आप इनको ग्रैंड लीग में एक टीम में कैप्टन बना के सोचो कि वो टीम आएगी नहीं, पर देख लेना ग्रैंड लीग में कभी कभार क्लिक हो सकती है ऐसा प्लेयर। नेक्स्ट आते हैं सागर जरीवाला, 8 मैच 80 रन बना के आ रहे, 20 का एवरेज इनका, तो 20-25 रन आराम से बना के आ सकते हैं बंदा, तो पिक करो स्मॉल लीग में पिक कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं नागा प्रताप महानंदी, 8 मैच 41 रन बना के आ रहे, 8 विकेट लेके आए, तो 8 मैच 1 विकेट लेके जाता है, प्लस 13 का एवरेज इनका बैटिंग एवरेज, तो अच्छा खासा आपको रन बना के दे सकते हैं, खेलेंगे तो जरूर इनको पिक कर लेना। नेक्स्ट आते हैं केतन शेट्टी, 6 मैच 6 विकेट लेके आ रहे, 24 रन बना के, तो भी प्लेयर बहुत बड़े, खेलेंगे तो इनको भी जरूर पिक कर लेना। नेक्स्ट आते हैं अविनाश नरशेट्टी, ये भी 4 मैच 4 विकेट लेके आए, आई थिंक ये दोनों शेट्टी ब्रदर्स रहेंगे, तो शेट्टी है उनका नाम, और नरशेट्टी 4 मैच 4 विकेट लेके आ रहे, तो 1 मैच 1 विकेट लेके जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं अखिल जवाद जी, 4 मैच 22 रन बना के आ रहे, तो ये प्लेयर बहुत बड़ा है, अच्छा खासा आपको रन बना के दे सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रशांत गोली, 1 मैच 1 रन बना के आ रहे, और सीधा संपली, उनका अभी तक रिकॉर्ड है, 1 मैच खेला है, उतना खास रिकॉर्ड नहीं, कोई रिकॉर्ड ही नहीं, सिर्फ बॉलिंग से ही पिटाई हुई, और नीचे कुछ प्लेयर के परफॉर्मेंस नहीं दिए, तो आप इनको ऊपर उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये में डाउट भी है, ये खेलेंगे नहीं इस मैच में, तो मुझे ऐसा लग रहा है, खेलेंगे तो देख लेंगे क्या करना आगे। तो अभी के लिए इस रिकॉर्ड को आप देख के एनालाइज करके आप टीम बना सकते हो। आप देख लेते हैं ACB के प्लेयर के कैसा है, उनका रिकॉर्ड देख लेते हैं। उसमें पहले आते हैं रोहित उन्तन, 14 मैच 80 रन बना के आ रहे, प्लस 10 का एवरेज इनका, तो अच्छा खासा बैट्समैन है, हर मैच 10-20 रन बना के जा सकते हैं, तो खेलेंगे तो जरूर पिक कर लेना।
नेक्स्ट आते हैं अर्जुन नागतंडी, 12 मैच 92 रन बना के आ रहे, 9 का एवरेज इनका, और इन्होंने भी एक विकेट लेके आए, तो प्लेयर बहुत बड़ा है, 8 मैच रन बना के जा सकते हैं, तो जब खेलेंगे ज़रूर पिक करना। नेक्स्ट आते हैं तोजो थॉमस, तो इनका रिकॉर्ड 11 मैच 56 रन बना के आ रहे, तो नीचे बैटिंग करने आते हैं, तो बैटिंग मिले तो बहुत बड़ा बैटिंग करके जा सकते हैं, इनको बैटिंग नहीं मिलेगी थोड़ा नीचे मिलेगी तो उतना प्रेशर में रहेगा तो आउट हो सकता है, पर रिस्क लेके आप इनको जरूर ग्रैंडली में ट्राई कर सकते हो कैप्टन। नेक्स्ट नितिन दास, ये प्लेयर बहुत बड़ा है, 9 मैच 46 रन बना के आ रहे, प्लस ये भी 3 विकेट लेके आए, तो खेलेंगे जरूर पिक करना और ग्रैंडली में वाइस कैप्टन ट्राई करना। नेक्स्ट जूनो वर्गेसी, 9 मैच 9 विकेट लेके आया, तो हर मैच एक ना विकेट लेके जाता है, जरूर ग्रैंडली में कैप्टन ट्राई करना। नेक्स्ट आते हैं मनोज थॉमस, 6 मैच 7 विकेट लेके आ रहे, सोनम रवि ये प्लेयर बहुत बड़ा है, 6 मैच 7 विकेट लेके आ रहे, तो खेलेंगे जरूर पिक कर लेना। नेक्स्ट आते हैं अल्फिन थॉमस, 6 मैच 13 रन बना के आ रहे, 6 का एवरेज इनका। जलवी जाको 6 मैच 6 विकेट लेके आ रहे, हर मैच एक ना विकेट लेके आते हैं। अजमल सलमान 6 मैच 57 रन बना के आ रहे, 1 विकेट लेके आ रहे। सतीशन कंडस्वामी 4 मैच 60 रन बना के आ रहे, और नंदू कृष्ण 2 मैच 5 रन। तो अभी के लिए था कुछ दोनों टीम के प्लेयर के साथ, नीचे कुछ प्लेयर के रिकॉर्ड अभी तक नहीं है, तो बिना ना टाइम वेस्ट करते हुए चलो टीम देख लेते, टीम किसे रही है हमारी। तो इस टीम में मैं 3 बैट्समैन ले रहा हूँ, नागा महानंदी, सतीश कंडस्वामी और अरुण कुमार, तीनों मस्त भी करेंगे, तीनों अच्छा खासा रन बना के आ सकते हैं। आप पोजिशनर जो दो समूह को ले सकते हो, क्योंकि नीचे बैटिंग करना है तो इसलिए मैं उनको पिक नहीं किया। महानंदी बहुत बड़े प्लेयर है, कंडस्वामी अच्छा खासा रन बना के जा सकते हैं, और अरुण कुमार एक डिसेंट पिक हो सकते हैं। तो विकेट के मैं रोहित रंजन उन तरीके से दे रहा हूँ, क्योंकि कोई ऑप्शन अदर नहीं ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए मैं इनको पिक किया। तो ऑलराउंडर में मैं 4 ऑलराउंडर के साथ जाऊँ, रोहित ग्रोवर, चंदर प्रसूति, रवि वंकोर और नितिन दास, चारों मस्त भी करेंगे, क्योंकि चारों अच्छा खासा रन बना के आ रहे, प्लस विकेट टेकर बॉलर भी 8 मैच से विकेट लेके आते, तो इसलिए मैं इनको पिक किया। विकेट के ऑलराउंडर में रोहित ग्रोवर, पलुस्टी, वंकोर और नितिन दास। तो बॉलिंग में मनु थॉमस, सोनम रवि और जेनम जैकब या ऑगस्ट के लिए सोचो, और मैं जैकब के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि जैकब का रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। आप नरेश शेट्टी या केतन शेट्टी के साथ सकते हो, पर अभी के लिए ही मेरी टीम रहेगी। तो कैप्टन वाइस कैप्टन में कैप्टन में रिकी ग्रोवर, रोहित ग्रोवर रहेगा, और वाइस कैप्टन में मनु थॉमस रहेगा। एक स्मॉल टीम रहेगी। थैंक यू सो मच गाइस।